कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, होमगार्ड भर्ती फिजिकल को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आज अपन क्लियर करेंगे। देखो, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका फिजिकल का जो रोड मैप है ना, यानी कि आपके फिजिकल में क्या क्या होना है। हाइट वेट के बारे में अपन चर्चा करेंगे, रनिंग के बारे में अपन चर्चा करेंगे, चिन अप के बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिजिकल कब फिक्स है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना के डाल चुका हूँ। वैकेंसी के ऊपर रिट है और हो सकता है ये रिट अप्रैल तक चले आपका, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा लंबे टाइम ये रुकने वाला है, यानी कि ज़्यादा लंबे टाइम नहीं रुकेगी, जल्दी आपकी क्लियर हो जाएगी। फिजिकल का जो पहला स्टेप होगा, आपको ग्राउंड में एंट्री करवाएंगे और ग्राउंड में एंट्री आपकी हाइट से होनी है, यानी कि आपके पास पहले तो देखो पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और मैंने डॉक्यूमेंट्स का सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल भी रखा, आप उस वीडियो को वॉच कर लें अगर आपने वॉच नहीं किया। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट है तो फिर आपको यानी कि हाइट कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। अब जो 168 सेंटीमीटर तो मेल कैंडिडेट्स की रहेगी और 152 सेंटीमीटर है वो फीमेल कैंडिडेट्स की रहेगी। सीना की अगर अपन बात करें तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल सीना होना चाहिए, और फुलाने के बाद में यानी कि आपको चेस्ट अप फुलाने के बाद में आपका 81 से 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वेट का क्राइटेरिया, भाई 47.5 किलो अगर आपका वेट है तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो। अगर 47.5 यानी कि 47.5 किलो से कम अगर आपका वजन है तो आप फिजिकल के लिए फिट नहीं हो, फिर आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो आज मेरे साथ है मेरा दोस्त बंटी भाई, जो आर्मी की तैयारी कर रहा, काफ़ी दिनों से मेरे साथ ही रह रहा और आर्मी की तैयारी कर रहा, एक्सीलेंट मारता है आर्मी की वैकेंसी में। तो 1 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पे 3:30 में है और टोटल पूरे 15 नंबर लाने हैं आपको। तो 1 किलोमीटर की दौड़ अभी आपकी कितने टाइम में हो रही है? देखो टाइम तो 3:30 का है, तो कितने टाइम में हो रही है अभी? 3 मिनट। तो दोस्तों 3 मिनट का टाइम लगभग इनको लग रहा है, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, चूँकि ये आर्मी में भी काफ़ी फिजिकल दे चुके हैं। तो 3 मिनट में ये एक्सीलेंट मार रहे हैं। अब आपको यहाँ पे 3:30 का टाइम हो सकता है, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगे, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। 3:30 में आप आराम से एक्सीलेंट मार सकते हो। अब भाई की तो कम से कम 1.5 वर्ष पुरानी इनकी तैयारी है। चलो बात हो गई है यहाँ पे एक्सीलेंट की, तो सेकंड पोजीशन में आने के लिए 3:45, तो 10 नंबर लाएंगे अगर 3:45 जिनको दौड़ में, जो 3:45 का टाइम लेंगे तो 10 नंबर लाएंगे। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 10 नंबर ही ला पाएंगे, यानी कि 50% बच्चों के 10 नंबर आएंगे शायद, है ना? हाँ, तो लगभग तो ये मानो आपकी आधे बच्चे ऐसे होंगे, आधे से ज़्यादा बच्चे, यानी कि मान लो आपके बीच में अगर 100 बच्चे दौड़ रहे ना, तो 100 बच्चों में से लगभग 40 बच्चे तो फेल होने वाले हैं। फेल का मतलब उनके 5 नंबर आएंगे तो फेल ही मानता हूँ मैं तो उन्हें, 5 नंबर वाले कहीं पर भी आपके कंपटीशन में नहीं है। 40 से 45 बच्चे ओनली फॉर आपके जो रेस में है 50 बच्चे के आसपास में है, तो 50 बच्चों में से मुश्किल 10 से 12 बच्चे हैं एक्सीलेंट मारेंगे, और जो बचे हुए बच्चे हैं यानी कि जो 50 में से 10 बच्चे अगर एक्सीलेंट मार रहे हैं तो 40 बच्चों के फिर 10 नंबर आने वाले हैं। तो ये आपका दौड़ का रेशियो रहने वाला है, तो आप इस रेशियो के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कर सकते हो होमगार्ड भर्ती की। चिनअप की बात करें तो 10 चिनअप में पूरे नंबर 10, तो 10 चिनअप आराम से हो जाती है, तो 10 चिनअप बंटी की आराम से हो जाती है, क्योंकि बंटी को टाइम भी तो देखो ना, 1.5 साल का टाइम इस बंदे को लग चुका है। अब आपको कितना टाइम लगा है, अगर आपके यहाँ पे चिनअप में अगर आप पूरे नंबर ला रहे हो ना, तो मुझे यकीन है चिनअप और रनिंग में अगर आप पूरे नंबर ला रहे हो तो संरक्षण के एकदम आप पास में हो, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वाले बच्चे कम ही हैं, और जिनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो दौड़ में नहीं पास हो पाएंगे। तो चिनअप हो गई अपनी, रनिंग हो गई। अब महिलाओं के लिए रनिंग 800 मीटर ही है, तो 800 मीटर में आप भी एक्सीलेंट मारने की पूरी कोशिश करें। आपके लिए 1 किलोमीटर नहीं, ओनली फॉर 800 मीटर की ही रनिंग है। और गोला फेंक 16 फीट जो आपका, यानी कि 16 फीट आप अगर गोला फेंक रहे हो, ये 4 किलो का गोला रहता है, इसको अगर आप 16 फीट फेंक रहे हो तो आपके 10 नंबर मिलेंगे, और अगर आप इसको 15 फीट फेंक रहे हो तो आपके नंबर मिलेंगे 7, और अगर आप 14 फीट फेंक रहे हो तो नंबर मिलेंगे आपके 5। तो गोला फेंक का विशेष ध्यान रखें महिलाएं। ये तो आपका हो गया है फिजिकल, फिजिकल के ऊपर ये बातचीत हो गई है। अब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें, तो एनसीसी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है
तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास, सी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेंगे, बी है तो 4, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। आरएससीआईटी के 4 नंबर मिलेंगे, स्काउट गाइड से भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास आईटीआई है, यानी कि और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, उनके भी मार्क्स है, वो मैंने सेपरेट एक वीडियो में बता रखा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे तो लास्ट में अपन चर्चा करेंगे भाई फिजिकल में मैक्सिमम यहाँ पे 25 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, फिजिकल में मैक्सिमम 25 नंबर, विशेष योग्यता के आपको 20 नंबर मिलेंगे और 5 नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पे इंटरव्यू के। इंटरव्यू वीडियो भी मैं आपके लिए प्लान करूंगा, जब आपकी फिजिकल की डेट है ना वो फिक्स हो जाएगी, तब मैं आपके लिए इंटरव्यू वीडियो है वो प्लान करूंगा साथियों। तो फिलहाल अगर ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन जो दी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।